स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इन दिनों मऊ शहर में नगरपालिका अध्यक्ष अशद जमाल साहब के मकान यानी मस्कन का मामला काफी चर्चा में चल रहा है और इनके भाई अशद जमाल साहब के भाई साहब के विरुद्ध नगरपालिका के ईओ और तत्कालीन चेयरमैन ने अपने हस्ताक्षर से एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसका जिक्र हमारे बगल में बैठे एडवोकेट शहनशाह आलम साहब ने किया था और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हमने डाला था। डॉक्टर अल्लामा इकबाल नाम एक ग्रुप है, जिस ग्रुप में हमने लिखा था कि नगरपालिका के ईओ ने नगरपालिका चेयरमैन के भाई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें सत्र नहीं लिखा था और वकील साहब द्वारा सत्र बताया भी नहीं गया था, जिसकी वजह से काफी विवाद रहा कि खबर पुरानी है, इस तरीके की चर्चाएं चली। तो सबसे पहले तो वकील साहब, एक बार आपका फिर से स्वागत हमारे चैनल पर। और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आपकी आवाज तेज रहे, पहली चीज। दूसरी चीज कि आखिर क्या वजह थी कि आपने सत्र नहीं बताया था और इतना विवाद हो गया? सत्र जो सन न बताने के एक रीजन ये था कि मुझे जो जराए हैं यहाँ पे गांव मोहल्ले और इनके जो नगर पालिका के और लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि आप सतर्क रहिएगा, जो तत्कालीन ईओ नगर पालिका और तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ने लोक संपत्ति हड़पने के लिए इनके भाई के ऊपर जो मुकदमा किया है, इसको ये कभी भी खारिज करा सकते हैं। तो मैंने आपसे इस बारे में जिक्र किया तो शायद आपने किसी ग्रुप में से पोस्ट किया, बिल्कुल उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है। स्क्रीनशॉट है तो मुझे ये बिल्कुल यकीन था कि जो लोग जितने लोग बता रहे हैं सही है। और फिर मैंने जब आपने स्क्रीनशॉट भेजा तो उसमें बिल्कुल साफ अक्षरों में वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल ने ये कहा कि मैं इसको खारिज करा दूंगा। जी बिल्कुल, उन्होंने एक कमेंट, इन्होंने एक पोस्ट का जवाब दिया था कि इससे पहले दो तीन बार खारिज हो चुका है और एक ही तारीख में खारिज करा हो जाएगा, ये उन्होंने लिखा था। जी बिल्कुल लिखा है। अभी तो नगर पालिका अध्यक्ष जो कि अब वर्तमान हो गए हैं, ये कम से कम ये उसमें वादी हो गए हैं, ये मुकदमा वादी हो गए हैं उनकी जगह पे। जी तो अब ये खुद अपनी जबान से कह रहे हैं कि मैं खारिज करा दूंगा, तो आप नहीं खारिज करा दूंगा, उन्होंने ये कहा खारिज हो जाएगा, हो जाएगा एक ही तारीख हो जाएगा, वो करा देंगे जो भी है। तो ये लोक संपत्ति हड़पने के लिए बिल्कुल बिल्कुल जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कभी भी इस संपत्ति को हड़पने के लिए ये मुकदमे को खारिज करा सकते हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से ये अवगत करा रहा हूँ कि उस मुकदमे का जो है इनके जो नगर पालिका के वकील हैं जो इनके अधीन हैं जी हाँ, उनके ऊपर निगरानी रखें और इनके ऊपर भी निगरानी रखें कि लोक संपत्ति ये हड़पने ना पाए। अच्छा देखिए, अब एक सवाल फिर है कि सबसे पहले, लेकिन उससे पहले एक चीज हम आपको बता दें कि ये जो मुकदमे की बात चल रही है ये नगर पालिका बनाम फैसल के नाम से ये मुकदमा है, सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन सदर के यहाँ ये मुकदमा चल रहा है, 2019 का ये मुकदमा है, पहली चीज। दूसरी चीज वकील साहब, थोड़ा क्लियर आप ये बताएं कि ये किस तरह का मुकदमा है और क्यों ये मुकदमा हुआ है, किस जमीन का मामला है? ये जो यहाँ पे लोक संपत्ति है, यहाँ पार्क सारहू, जी पार्क सारहू की जमीन के अंदर इनके भाई फैसल के नाम इन्होंने जानबूझ करके साजिश के तहत उस सहन के अंदर ये जमीन जो है क्रय विक्रय अवैध तरीके से डिमार्केट की गई जमीन को इन्होंने किसी अन्य व्यक्ति का दिखा करके वो खरीद फरोख्त किया है ताकि अपने मकान को ये बचा सके। अच्छा जी, तो उसमें जो मुकदमा किया गया वो किस तरह का मुकदमा है, दावे में क्या मुख्य बात है? दावे में ये है कि जो विपक्षी है फैसल जमाल, अरशद जमाल के भाई जी, इन्होंने अपने भाई को लाभ पहुंचाने के लिए उसमें इनके पुराने बयानामे का भी जिक्र किया है। अच्छा हाँ, ये इनका जमीन पार्क रास्ता बादो ईदगाह सहन पार्क, ये इनका मकान जो है जो डिमोलिश होने वाला है, गिरने वाला है, उसको बचाने के लिए जितने मकान इनका गिर रहा है उतने ही उन्होंने आगे खरीद लिया अवैध तरीके से। अच्छा, क्या ये भी संभव है कि मुकदमा खारिज करा दिया जाए? मुकदमा जो है जब हमारे जैसे और जैसे हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब ने ये बात बताया कि एक ही तारीख में खारिज हो जाएगा, तो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ इन बातों को कहा है, तो क्या वजह रही होगी कि इन्होंने ऐसा कहा है? ये अभी पद पे है, हम अगर सो जाए मतलब थोड़ा सा गाफिल हो जाए इस मसले से जी, और भी लोग हो जाए, आप जैसे लोग हो जाए, समाज के जागरूक लोग हो जाए, तो ये कुछ भी करा सकते हैं।
आपसे मैं गुजारिश करूंगा, इन्होंने जो आपके जो ग्रुप है जो भी है अल्लामा इकबाल ग्रुप जी, वो जो इन्होंने पोस्ट किया है उसको आप जरूर अपने इस पर दिखाएं चैनल पे। बिल्कुल, तो अभी अगली पोस्ट भी यहीं से इस बात को हम रोकेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे, पहले ये पोस्ट आप देख लें फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। अभी आपने स्क्रीन पर देख लिया है कि जो अशरफ जमाल साहब ने बताया है कि एक ही तारीख में खारिज हो जाएगा, इस बात की पुष्टि हो रही है। और जैसा कि हमने दिखा दिया दर्शकों को, आप बताएं कि आखिर ये जो मुकदमा हुआ है इसका उद्देश्य क्या था? जैसे अभी आपने बताया कि फर्जी बैनामा करा लिया, तो उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह है कि इन्होंने जो बैनामा कराया है अवैध तरीके से, इस बैनामे को निरस्त किया जाए, नगर पालिका ने यह मुकदमा किया है। अच्छा अच्छा, इसका स्टेटस क्या है मुकदमे का? स्टेटस है इसी नवंबर में ही इसकी तारीख है और सब लोग हाजिर हैं, लेकिन ये इनके भाई मुकदमे में अभी हाजिर नहीं हुए हैं जानबूझ करके। हालांकि इनको नॉलेज है, आप जो पहले जब मुकदमा हुआ तो बड़ा हल्ला मचाया थी इन्होंने जी, कि मेरी बीवी पर मुकदमा कर दिए तैयब पाल की, मेरे ऊपर कर दिए, मेरे भाई के ऊपर कर दिए, लेकिन हाजिर नहीं हो रहे हैं। इसको जो है अपने साजिश के तहत उसको खारिज कराया। जैसा अभी आपने देखा कि एडवोकेट शहनशाह आलम साहब ने बातों को बड़ा खुल के बताया, मुकदमे के बड़ी विस्तार से जानकारी दी। और इससे पहले हम बता दें कि जब जब अरशद जमाल साहब का कार्यकाल था या उनकी पत्नी का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में अरशद जमाल साहब ने बड़ी दमदारी और बड़ी मजबूती के साथ नगर पालिका ने जितनी जमीनों को अतिक्रमण था, नगर पालिका की जमीनों का, अरशद जमाल साहब ने सारी अधिकतर जमीनों को बहाल कराया और नगर पालिका की बाउंड्री कराया। और साथ ही साथ जब तैयब पालकी साहब का कार्यकाल था तो उन्होंने भी बहुत सारी जमीनों को नगर पालिका की अतिक्रमण मुक्त कराया। अब सवाल ये उठता है कि जो मुकदमा नगर पालिका देख रही है, तो क्या अरशद जमाल साहब अपने भाई के खिलाफ जा करके और नगर पालिका के वकील से इसकी पैरवी कराएंगे, या कि इस साजिश में हिस्से में शामिल हो करके और जमीन को नगर पालिका की जमीन, जैसा कि नगर पालिका के तत्कालीन ईओ और तत्कालीन चेयरमैन ने मुकदमा किया है कि नगर पालिका की जमीन को अवैध तरीके से हड़पने की बात कही है, तो उसमें सहयोग करेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल या निशान बन रहा है। और दूसरी चीज ये कि अगर इसी तरीके से नगर पालिका की संपत्ति को खतरा बना रहा तो आने वाले अभी लगभग 4.25 साल और इनके कार्यकाल के बचे हुए हैं, निगरानी करना बड़ा मुश्किल होगा। और नगर पालिका की जमीनों पर जागरूक लोगों को, आप सभी दर्शक जितने लोग देख रहे हैं, जहां पर आपकी जानकारी में नगर पालिका की जमीन हो और अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी या अध्यक्ष या किसी के माध्यम से अगर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो हमारे चैनल मारीना संदेश पे आप संपर्क कर सकते हैं या एडवोकेट शहनशाह आलम साहब से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके की खबरों से जुड़े रहने के लिए और ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश को सब्सक्राइब कर लें अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, और लाइक कर लें और अगर आप हमारे अगर यूट्यूब पे अगर आप हमारे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो कर लें। धन्यवाद।